अद्भुत रूप हारी, हर्षित महतारी मुनि मनोहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन धनि श्यामा, लोचन अभिरामा तन धनि श्यामा, निज आयुध भुजि चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु थरारी। शोभा सिंधु थरारी। हे प्रभु, मैं आपकी वंदना आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं नाथ? आप कहे चतुर्भुज रूप मुझे तो अति प्रिय है, लेकिन मेरे नाथ अर जय होवे तुमरी जय होवे, जय होवे तुमरी जय होवे, जय होवे तुमरी जय होवे, जय होवे तुमरी जय होवे। अर लक्ष्मी पति भगवान, और लक्ष्मी पति भगवान तुम्हारी जय होवे, लक्ष्मी पति भगवान तुम्हारी जय होवे, हो जय होवे तुम्हें जय होवे, जय होवे तुम्हें जय होवे, जय होवे तुम्हें जय होवे, जय होवे तुम्हें जय होवे। लक्ष्मी 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 पति भगवान तुम्हारी जय होवे, लक्ष्मी पति भगवान। जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना,
चरित बहुत विधि कीन चहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे। हे मैया आप मेरी स्तुति क्यों कर रही हैं? आप ही आप देख रहे अखंड अखंड ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री राम जी को चतुर्भुज रूप में उपस्थित संवाद से हमारा अनुरोध है भाइयों से बहनों से माताओं से और हमारे सभी कमेटी के पदाधिकारियों से ये प्रथम भगवान की आरती है। आप सभी लोग भगवान के शब्दों को सुनते जाएं और आप मंगलमय आरती भी करते जाएं। सभी कमेटी के पदाधिकारी बंधु माताएं बहनें भाई बंधु। हे मैया आप मेरी स्तुति क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके गृह में एक छोटा बालक बन के आया हूँ। आप ही के द्वारा वरदान मांगा गया था, उस पूर्व जन्म की कहानी को याद करें। अभी आप जाए नहीं, अभी बड़े ही सुंदर प्रसंग है। महलों में पुत्रों का जन्म होगा और हमारे हास्य कलाकार सुरेश कक्कड़ जी मंच पे आकर के आपका मनोरंजन कराएंगे। अभी सभी लोगों से निवेदन है आप लोग बैठ जाएं, सुने। आपके द्वारा घोर तप किया गया महाराज मनु के रूप में महाराज दशरथ थे और शत्रुपा के रूप में आपके द्वारा मुझे बालक रूप में बताया गया, तो मैंने सारे संसार में खोजा, अपने समान का कोई बालक नहीं मिला, इसीलिए मुझे स्वयं तुम्हारे गृह में अवतार लेकर आना पड़ा। हे मैया आप उस कहानी को याद करें। कहानी अपने पूर्व जन्म की सुन मोरी मैया, मोरी मैया सुन मोरी मैया, कहानी अपने पिछले जन्म भयो काम न दूजा हुआ।